हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइंड कोल्ड आरएफ कैप्सूल के बारे में। बेसिकली जो हमारे मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कैप्सूल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, सो इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने डेली फूड में, डेली रूटीन में क्या है, प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स नहीं ले पाते हैं जिससे क्या हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जब हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिलता है, आइज़ में बहुत सारी आइज़ में क्या है, वीकनेस देखने को मिलती है, ड्राई आई देखने को मिलता है, आइज़ बहुत ज़्यादा वीक लगती हैं, इम्यून सिस्टम हमें वीक लगता है। देन इस तरह की काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो हमें विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या है, उस कंडीशन में न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ कैप्सूल लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, फिजिशियन के कंसल्टेशन से ही आप डोज लीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं, बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ हैं उनको क्या है, पूरी तरह ट्रीट करता है। सो हमारी स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आइज़ के लिए कैसे हेल्पफुल है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे क्या है, काफ़ी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के साथ साथ क्या हमारी आइज़ काफ़ी वीक हो जाती हैं, लाइक साथ में स्पेक्स का पावर भी आता है। देन उस कंडीशन में क्या है, अगर हम बच्चों को एक कैप्सूल दूध के साथ एक शक्कर शाम में देते हैं तो क्या है, आइज़ में हमारी क्या है, आइज़ हमारी हेल्दी रहती हैं, और अगर आधा नंबर तक पावर है तो उसको क्या है, मल्टी विटामिन्स प्रॉपर लेने से क्या है, उसको हम क्या है, पूरी तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कैप्सूल जो है काफ़ी हेल्पफुल है हमारी, स्पेशली हमारी आइज़ के लिए, बच्चों में जो देखने को मिलती है, लाइक ज़्यादातर बच्चों में जो स्टार्टिंग की पावर जो देखने को मिलती है, जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आधा नंबर देखने को मिलता है, पौन नंबर देखने को मिलता है, सो उस कंडीशन में क्या है, काफ़ी हेल्पफुल हैं। देन ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है तो ये कैप्सूल लेने से काफ़ी हेल्प रहती है। सो अब हम बात करते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट का, बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट वो माइनर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक होगा, या ब्लर विज़न होगा, तो इस तरह की दिक्कत क्या हमें देखने को मिलती है। लाइटली इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ही लाइटली होते हैं। देन इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, नोज़िया फील हो रही है, हेडेक फील हो रहा है, देन एक बार अपने क्या है डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कीजिएगा। देन दूसरा ध्यान रहे गाइस, इस कोई भी मेडिसिन क्या है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है आपकी बॉडी में, लाइक विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या, आपने एक बार अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट कीजिएगा, देन उसी के ही अकॉर्डिंग अपना मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा, या डोज भी उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहेंगे। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। सो हमारी इस चैनल पर आपको आई से रिलेटेड हर तरह की